मौली श्री सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। अब हम साई सच्चरित जी का चौथे अध्याय का दूसरा प्रसंग सुनाएंगे। उसमें कई प्रसंग हैं, इसलिए अब सुनिए संतों का अवतार कार्य। ओम साई राम। भगवत गीता चौथा अध्याय 7-8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म का अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापन, दुष्टों का विनाश तथा साधु जनों के परित्राण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। वे उपर्युक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। अर्थात जब ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, जब शूद्र उच्च जातियों के अधिकार छीनने लगते हैं, जब धर्म के आचार्यों का अनादर तथा निंदा होने लगती है, जब लोग निषिद्ध भोज्य पदार्थों और मदिरा आदि का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म आड़ में निंदित कार्य होने लगते हैं, जब भिन्न भिन्न धर्म अवलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, जब ब्राह्मण संध्या आदि कर्म छोड़ देते हैं, कर्मठ पुरुष को धार्मिक कृत्यों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जब योगी ध्यान आदि कर्म करना छोड़ देते हैं, और जब जन साधारण की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन संतान और स्त्री ही सर्वस्व है, तथा इस प्रकार जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर अधः पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की संस्थापना करते हैं। वे समुद्र के ज्योति स्तंभ की तरह हमारा उचित मार्गदर्शन करते तथा सत्य पथ पर चलने को प्रेरित करते हैं। इसी मार्ग पर अनेक संत निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गोरा गोणाई, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि, नरसिंहभाई, सजन कसाई, सावंता, माली और रामदास तथा कई अन्य संत सत्य मार्ग का दिग्दर्शन कराने हेतु भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए, और इन सब के पश्चात शिरडी में भी श्री साईं बाबा का अवतार हुआ। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय।